शशि रंजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गुरु का राशि परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसी पर आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। गुरु देवताओं के गुरु परमात्मा के द्वारा बनाया गया है और गुरु आपके 1 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में जा रहे हैं और लगभग 1 साल रहेंगे वृषभ राशि में और 14 मई 2025 तक रहेंगे, उसके बाद वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो 1 साल में गुरु कुंभ राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो एग्जैक्ट है वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गुरु के पास सबसे ज़्यादा कारकत्व है, जितने शुभ फल हैं मैक्सिमम गुरु के पास है। संतान के कारक, शिक्षा के कारक, ज्ञान के कारक, विवाह के कारक, पति के कारक, भाग्य के कारक, धन के कारक, दान उदार, सबके कारक आपके गुरु हैं। और जिसके जीवन में गुरु, जिसके जन्म कुंडली में गुरु अच्छे हैं, बली हैं, उसके जीवन ज़्यादातर सुखमय रहता है और उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। तो गुरु आपकी यह जन्म राशि आपके चंद्र राशि पर आधारित है, मून राशि पर आधारित है, सन साइन पर आधारित नहीं है, सन राशि पर आधारित नहीं है। सबसे पहले है कि गुरु जो है आपके कुंभ राशि के लिए लाभ और धन के कारक होके सुख भाव से गोचर करने जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है कि 1 साल आपका लाभ होगा, आपका इनकम बढ़ेगा, धन का आगमन होगा, क्योंकि गुरु आपके सुख भाव में आए हुए हैं। तो भूमि वाहन कोई बड़ा आप काम कर सकते हैं, भूमि ले सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, कोई बड़ा डील आप कर सकते हैं, संभावनाएं। माता का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, थोड़ी बहुत उनको परेशानियां हो सकती हैं, गैस्ट्रिक वगैरह या बैक पेन इत्यादि से थोड़ी सी उनको परेशानियां हो सकती हैं, अन्यथा उनका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। गुरु केवल आप ही को ही सुख प्रदान नहीं करेंगे, आपके घर में और भी कोई मेंबर है तो गुरु आपको उसमें अच्छा करने जा रहे हैं, उनके भी लाभ और धन के आगमन में वृद्धि होगी। गुरु की 3 दृष्टियां होती है और इनकी दृष्टि अमृत होती है, तो गुरु के 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है वो होता है, और गुरु की 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है जहाँ 8 लिखा हुआ है, और गुरु की 9वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है। तो गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तो 5वीं दृष्टि तो अष्टम भाव पर पड़ रही है और अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता है, त्रिक भाव है, और गुरु उस भाव को बढ़ाएंगे, मतलब थोड़ी सी गाड़ी चलाने में आप सावधानी बरतते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं या गहन अध्ययन की तरफ आपकी रुझान है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। थोड़ी सी अपनी सेहत के पर भी थोड़ी सी ध्यान आप रखेंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, ये बहुत ही अच्छा है, आपके करियर से संबंधित है, करियर में आपके उछाल होगी, करियर में बढ़ोतरी होगी, मतलब
आपको अगर नौकरी नहीं लगी है तो आपको नौकरी मिलने की पूरी संभावना है। अगर नौकरी लगी है, कर रहे हैं, तो उसमें प्रमोशन इंक्रीमेंट आपको हो सकता है। बॉस आपके ऊपर, बॉस से काफ़ी आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। गुरु की नौवीं दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर पड़ रही है। द्वादश स्थान में त्रिक भाव होता है, ये विदेश का होता है, हॉस्पिटल का होता है, खर्च का होता है। तो विदेश MNC कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो आपकी उसमें अच्छी रहेगी, आगे बढ़ेंगे, आपकी उन्नति होगी, खर्चे भी बढ़ेंगे आपके, या तो शुभ कार्यों में हो गए, या हॉस्पिटल में किसी को हॉस्पिटल ले जाते समय खर्च होगा, या घर में कोई मेंबर की तबीयत खराब हो तब खर्चे हो सकते हैं, या अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है, मैंने खर्चे बढ़ेंगे शुभ काम या अशुभ काम। तो गुरु की ये जो तीन दृष्टियां होती है यह अमृत होती है। तो इस गुरु एक साल आपके रहेंगे, 12 साल के बाद आपके गुरु सुख भाव में आ रहे हैं, तो सुख भाव में वृद्धि करेंगे। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी वीडियो बने इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित ले सकें। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य पर विराम लगाता हूँ। धन्यवाद।